हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, कैसे हैं दोस्तों? होपफुली आप सभी अच्छे हैं। चलिए आए करते हैं एक शानदार सी क्लास की शुरुआत, जहां पर हम बाल विकास के अच्छे से बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल क्वेश्चंस तो मेरे काफ़ी बढ़िया रहते हैं, क्लासेस भी काफ़ी फंटास्टिक रहती है, क्योंकि हर चीज़ बताने का, सिखाने का, समझाने का मेरा पूर्ण प्रयास रहता है कि मैं आपको शॉर्ट टर्म में, कम समय में ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध करा पाऊँ और बता पाऊँ। क्योंकि मालूम है समय बहुत कीमती है, तो जो भी चीज़ें हैं उनको प्रॉपर तरीके से देखिए, समझिए, फिर कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको आंसर आपके ज़रूर मिलेंगे। और जितनी भी चीज़ें जेन्युइन होंगी वो समय के साथ अपडेट भी की जाएंगी और बताई जाएंगी। आइए देखते हैं आज की क्लास में हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है। आप करेंटली टुडे हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। पहली बार जितने फ्रेंड्स यहाँ पर आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पूछिए, जितना आप पूछेंगे उतनी चीज़ें आपकी सॉल्व होंगी और आपके डाउट्स भी कम होते जाएंगे। उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम का जो नाम है वो शालिनी क्लासेस ही है, और लिंक जो है वो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिया जाता है, आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम तक ज़रूर जुड़े रहिए, उसके बाद आप चाहे म्यूट कर सकते हैं ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के ड्यूरेशन के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर शेयर की जाती है, यहाँ पर समय के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बन जाती। स्पेशली वहाँ पर हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको 15 से 20 मिनट पहले दिया जाता है, तो आपकी अगली क्लास मिस आउट नहीं होगी, इतना ध्यान में रखते हुए काम करिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। वैसे बाल विकास की एक श्रृंखला मैंने स्टार्ट की हुई है, जहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, और मैंने इसके पहले के आपको लगभग 19 प्रश्न तक करवा दिया था। आज की इस क्लास में उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर करवाने वाली हूँ, तो होपफुली पूरा वीडियो पूरी क्लास इन तक देखेगा। फिर भी कोई समस्या आपको दिख रही है, कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको हेल्प मेरी तरफ से जेन्युइनली ज़रूर समय के साथ अपडेट करते हुए की जाएगी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या है। प्रश्न को पढ़िए और रिप्लाई करिए। मैंने 19 तक आपको करवाया था, 20 प्रश्न इसके आगे मैं कॉन्टिन्यू कर रही हूँ। कल्पना जगत में विचरण होता है, कल्पना जगत यानी कि इमेजिनेशन का वर्ड, ऐसी कौन सी स्टेज होती है बाल विकास के दौरान बच्चों में देखी जाती है, जहाँ पर बच्चा कल्पना में, इमेजिनेशन में खोया रहता है, इमेजिनेशन में ही हर काम करता है। तो वो पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन है शैशवावस्था और किशोरावस्था। कौन सा ऑप्शन है जो एकदम करेक्ट होगा, रिप्लाई दीजिए, बताइए। कल्पना जगत में विचरण होता है, जो कल्पना जगत में विचरण होता है वो चार ऑप्शन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर कौन से आपको दिख रहे हैं वो मुझे यहाँ पर बताइए। एक नंबर का एक प्रश्न है आपका, यह पेपर 50 नंबर का होगा, ध्यान रखिएगा 25 इसमें पासिंग होंगे, 15 आपको ऑब्जेक्टिव MCQs बहुविकल्पी टिक करने को आएंगे, अदर प्रश्न आपको लिखने को आएंगे, इतना आपको ध्यान में रख कर चलना है। टोटल प्रश्नों की संख्या आपकी 40 होगी, ठीक है। ये हर एक तीन पेपर 50 नंबर के होंगे, तीनों में सेम पैटर्न फॉलो होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है, शैशवावस्था और किशोरावस्था, क्योंकि शैशवावस्था की जो पुनरावृत्ति होती है वो किशोरावस्था में देखने को ही मिलती है, इसीलिए आपके इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्लियर है, इतना ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो 20 में डी जिनका भी है उनका करेक्ट है, नो डाउट, कोई दिक्कत होती तो आप पूछिए, हेल्प आपको ज़रूर की जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेते, जो मेन मेन रंग होते हैं, जो कलर्स होते हैं उनको हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उनकी पहचान कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 वर्ष है, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, 4 वर्ष है, तो बच्चा इतना बड़ा कब हो जाता है कि वो कलर्स को रिकॉग्नाइज करने लगता है। राइट आंसर क्या होगा मुझे ज़रा अपडेट करिए, कि क्या आपको एकदम सही लग रहा है कि बच्चा अब इतना बड़ा हो गया कि वो रंगों को पहचान पा रहा है कि ये लाल है, हरा है, नीला है, काला है, पीला है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, वो है 5 वर्ष, 21 में ए ऑप्शन जो है वो आपके एकदम करेक्ट हैं। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को फिर से समझते हैं और देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। 22 पे आते हैं, मुझे उम्मीद है कि 2 प्रश्न आपने करेक्ट किए होंगे। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, ये काम किस स्टेज में होता है? जो टूटे फूटे वर्ड होते हैं जिनको हम उनको बोलते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं कि वो किस स्टेज, और 3 पहियों की जो साइकिल आती थी हम चलाया करते थे, सबसे पहले शुरुआत हम वहीं से करते हैं, तो वो किस स्टेज में हम करते हैं, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और प्रौढ़ावस्था में। कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा, बताइए। 22 में कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? एक ऑप्शन आपका सिर्फ और सिर्फ करेक्ट है, बहुत बेसिक सा है, छोटा सा है, वो है शैशवावस्था, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 22 में ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। चलिए आइए,
23 है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है? सबसे पहले वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? चार ऑप्शन दिया है, प्रकाश की तरफ, माँ की तरफ, ध्वनि की तरफ और भोजन की तरफ। कौन सा ऑप्शन सही होगा मुझे रिप्लाई देते हुए बताइएगा। एक ऑप्शन आपका है इसमें सबसे करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। आपको कई सारी घटनाएं यहाँ पर दी गई, पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम सबसे पहली बार वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट किसकी तरफ होता है। राइट ऑप्शन जो है वो प्रकाश है, ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। निम्न में से किस घटना की ओर सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? एक ऑप्शन आपका सही है, वो है पहला। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हुए देखते हैं। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, जो बालक की जिज्ञासा होती है उसे क्या किया जाना चाहिए, यही आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है दमन करना चाहिए, दूसरा शांत करना, तीसरा उत्तेजित और डी वाला जो है वो सक्रिय। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट होगा मुझे रिप्लाई करते हुए बताइए तो शायद काफ़ी उचित रहेगा। फटाफट आंसर करिए कि क्या होगा। जिज्ञासा है जो क्यूरियोसिटी है, क्योंकि एक दिन में 1000 प्रश्न उनके पास होते हैं। सेब है, सेब लाल क्यों है? अच्छा ये मीठा क्यों है, तीखा क्यों नहीं है, काला क्यों नहीं है, ये ऐसे ही क्यों होता है, किसी और शेप में क्यों, इतने सवाल उनके पास होते हैं। आप क्या करेंगे? उन्हें डांटेंगे, उन्हें शांत कराएंगे, उन्हें और उत्तेजित करेंगे, उन्हें सक्रिय बना देंगे, दमन कर देंगे, क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, वो है बी ऑप्शन, शांत करेंगे। उनकी जो क्यूरियोसिटी है उनको हम शांत करेंगे, ना कि हम उन्हें बढ़ावा देंगे या दबाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बालक भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930 ऑप्शन वन, 1887 ऑप्शन बी, 1879 ऑप्शन सी और 1590 ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, मुझे फटाफट क्विक रिप्लाई देते हुए बताइए कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। इंडिया में बाल विकास की जो शुरुआत हुई है वो 1930 में हुई है। आपको पहला ऑप्शन जिन्होंने भी कुछ भी बताया है वो एकदम करेक्ट है, ये आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। समझ में आ रही है बातें? तो पहला मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 26 की तरफ चलते हैं। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं होता वो कौन सी चीज़ें हैं? ऑप्शन वन है रुचियां, ऑप्शन बी आवश्यकताएं, ऑप्शन सी है असुरक्षा, ऑप्शन डी है अभिवृत्ति। कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा जरा मुझे क्विक रिप्लाई देते हुए बताइए, ताकि आपको यहाँ पर सोल्यूशन मेरी ओर से ज़रूर मिल पाए। बताइए राइट आंसर क्या होगा, क्या सही है? 26 का कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है? किशोर स्टेज में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वो निम्न में से क्या है? सिर्फ एक ऑप्शन आपका अभी तक के लिए सही है, वो है असुरक्षा, इस पे नहीं पड़ता, बाकी सभी ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2700 प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आपके सामने है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में से जो अवस्था संबंधित है वो निम्न में से कौन सी? किशोर स्टेज यानी कि एडोलसेंस की स्टेज होती है, ठीक है। चरित्र निर्माण यानी कि कैरेक्टर को बिल्ड करने में जो अवस्था संबंधित होती है वो कौन सी है? पहला है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, क्या परंपराओं को धारण करने के जो भी चीज़ें होती हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं इसमें इंक्लूड होती हैं। आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था है, आधार युक्त आत्मचेतना है या स्वकेंद्रित आत्मचेतना की है? तो ध्यान रखिएगा इनमें निम्न में से है कौन सी है, तो ये ध्यान रखना है। सिर्फ एक ही यहाँ पर है जो इस अवस्था से संबंधित है किशोरावस्था से, तो वो यहाँ पर स्वकेंद्रित अवस्था होगी, जहाँ पर हम सेल्फ सेंट्रलाइज्ड होकर चीज़ों को ध्यान में देखें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 28 है, विकास व्यक्ति में निम्न विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है? हमेशा आपको आपके पेपर वन और पेपर टू में कथन वाले स्टेटमेंट के प्रश्न देखने को अवश्य आएंगे, थोड़ा और इजी लेवल के भी आ सकते हैं, परिभाषाएं भी थोड़ी थोड़ी आती हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने यह कथन कहा है? तो हरलॉक ऑप्शन वे है, जेम्स ड्रेवर ऑप्शन बी है, मैकडूगल ऑप्शन सी है और मुनरो ऑप्शन डी है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है? 28 में क्या सही होगा? सिर्फ एक ऑप्शन आपका सही है जो कि बेसिक है, बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ में है, तो वो आप लोग ध्यान रखना है, वो आपका जो सही है वो हरलॉक का है, ए ऑप्शन सही है। आप में से जितने फ्रेंड्स ए ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं उन्हें एक नंबर बहुत ही आसानी से यहाँ पर गेन हो जाएगा, नो डाउट कोई प्रॉब्लम आपको होगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, 29 को देखते हैं। 29 देखिए, किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये कथन किसका है? जॉन सैन सिम्पसन का है, गेसम का है, स्टेनली हॉल का है, ग्रीफेड का है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, जरा रिप्लाई देते हुए बताइए कि 29 में क्या सही होगा और आप क्या चूज़ कर रहे हैं।
किशोरावस्था से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो मुझे रिप्लाई ज़रूर करिए कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगी और आप भी बढ़िया सीख पा रहे होंगे। तो एक ही ऑप्शन अभी तक के लिए इस प्रश्न का सही है, वो भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। कोई समस्या अगर आपको होती है तो मुझे रिप्लाई करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। आपको टेलीग्राम से कनेक्ट रहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना ताकि दिक्कतें आपकी कम हो और आप उन चीज़ों को सीख पाएँ, समझ पाएँ। तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझा दे रही हूँ ताकि आप गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो 29 में मैंने ये चीज़ें आपको बता दी। कोई दिक्कत किसी को भी लग रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा क्वेश्चन कैसे हैं, इसका रिप्लाई मुझे ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 प्रश्न पे आइए ज़रा। क्वेश्चन 30, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है। किशोरावस्था जो होती है वो एक ऐसे आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा देने वाले कौन हैं? ये परिभाषा देने हेडो रिपोर्ट है, जीन पियाजे हैं, फ्रेडरिक ट्रेसी हैं और ई पी पॉल हैं। क्या होगा बताइए, फटाफट रिप्लाई करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए रिप्लाई दीजिए यहाँ पर क्या सही होगा। 30 प्रश्न पर आ चुके हैं तो राइट आंसर यहाँ पर एक ऑप्शन आपका सही है, वो है जीन पियाजे। 30 में बी ऑप्शन जितने भी फ्रेंड्स चूज़ कर रहे हैं उन सबका बहुत ही क्लियर है। आगे आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 30 हमने यहाँ पर कर दिया, 31 पर देखते हैं क्या चीज़ें हैं। 31 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, मेंटल डेवलपमेंट की चीज़ें किससे रिलेटेड या कनेक्टेड नहीं है। एक ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, बताइए। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों का वजन और ऊंचाई से मेंटल डेवलपमेंट रिलेटेड है या नहीं, ये बात पूछ रहा है। तर्क और निर्णय ऑप्शन बी है, स्मृति स्मृति का विकास और अवबोध की क्षमता। इसमें क्या चीज़ है, चार ऑप्शन आपको दिए गए, क्या रिलेटेड या कनेक्टेड नहीं है, यही एक आपसे पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। एक ऑप्शन है सिर्फ मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो वो चीज़ें आपको जो देखनी है, समझनी है और जाननी है, तो वो आपको जो भी बताई जा रही है वो सिर्फ एक ही है कि मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड जब कोई बात हो रही है तो वज़न और ऊंचाई का कोई महत्व नहीं, वज़न और ऊंचाई की कोई भी बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब बताइए कोई दिक्कत है, बेसिक सिंपल सा प्रश्न आपके सामने है। हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं, ऐसे ही प्रश्न आपको करवाए जाएंगे, बहुत सारे प्रश्न आपके लिए नए हैं, आपको सीरीज़ में नहीं मिलेंगे। तो ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा सा उन चीज़ पर गौर करिए और इन्हें समझिए ताकि वो चीज़ें आपको बता दी जाएँ और दिक्कतें बिल्कुल भी कम हों। फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है, कोई समस्या कि किसी को लग रही है, आई थिंक नहीं होगी, जितना भी इम्पॉर्टेंट था मैंने बता दिया सिंपल तरीके से। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। 32, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती, सबसे कम मतलब कब रहती है। जैसे आप जानते हो कि एक बैग कोई चीज़ें तो होती नहीं है हमारे अंदर, वन बाई वन के धीरे धीरे होती है ना, तो वो जो आपसे पूछ रहा है वो आपसे स्टेज पूछ रहा है, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। सबसे कम तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बाद पूर्णावस्था। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इनमें आप कंफ्यूज होंगे, ऐसे प्रश्न हमें कंफ्यूजिंग में डालते हैं, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। आपका पहला और डी एक है, तो इसमें क्या होता है, शुरुआत हो जाती है लेकिन इसमें गल जाती, ख़त्म हो जाती है, डेड हो जाती है, तो ये आपको डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या जो है, प्रॉब्लम है, वो क्या है। वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन के अच्छे परिणाम देने की। प्रॉब्लम क्या होती है, एडोलसेंस के स्टेज में इतनी सारी प्रॉब्लम्स रहती है, तो वो चीज़ें यहाँ पर क्या होती हैं, मुझे राइट आंसर बताइए। तो एक ही ऑप्शन सही है, समायोजन की प्रॉब्लम, एडजस्ट नहीं करवा, क्योंकि उस स्टेज में सारी चीज़ें नई होती हैं, हर डेली का डेली, हर घंटे का एक नया चैलेंज रहता है जो हमें आगे बढ़ने में रुकावट करता है, तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम परेशान होते हैं, तो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। ये समस्या देखने को अवश्य मिलती है और सभी स्टूडेंट्स के साथ मिलती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आइए 34 पर देखते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका, स्किनर का, स्टेनहॉल का, किलपैट्रिक का और थॉर्नडाइक का। 34 के लिए कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट होगा, मुझे जल्दी से रिप्लाई कर दे, बताइए फटाफट कि यहाँ पर क्या सही होगा। जितना सपोर्ट आप सभी करेंगे, जितना आप सभी से प्रॉपर तरीके से क्लासेस को अटेंड करेंगे, उतना बेहतर तरीके से आपको हर चीज़ करवाई जाएगी। आप लोग के 12 बजे में दोपहर में डेली मैथ की क्लास लाइव करती हूँ, रात में 7 बजे और 8 बजे आपकी क्लासेस होती हैं, एक दिन में 2-2, 3-3 क्लासेस आपके लिए हो रही हैं। तो ये आपके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप टेलीग्राम से कनेक्टेड रहें, प्रॉपर तरीके से क्लास करिए। एक ऑप्शन आपका सही है, वो है स्टेनहॉल का। 34 में बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 34 के लिए बी एकदम करेक्ट है। कोई दिक्कत होती है तो पूछिएगा, बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं 35 की। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएँ हैं, जो स्टेज है, वो क्या है, कितनी है, 4 है, 3 है, 2 है, 5 है। देखिए मैंने आपको हमेशा बोला कि कभी संख्या के रूप में भी पूछेगा, कभी कभी नाम भी पूछेगा, कभी कभी वो टाइम ड्यूरेशन भी पूछेगा।
तो इसमें एक ऑप्शन आपका सही है, वो चार है। चारों के नाम, चारों के टाइम ड्यूरेशन, विशेषताएँ सब कुछ बताऊँगी। थोड़ा सा ध्यान रहे, ध्यान मतलब बनाए रखिए, पेशेंस रखिए, हर चीज़ हो जाएगी, हर प्रकार के प्रश्न हो जाएंगे। जीन प्याजे का जो टॉपिक आपको सिलेबस में दिया गया उसे ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ज़रूर आता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्थाएँ बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। 8 महीने से 13 वर्ष, 3 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम अवस्था, एक ये एरिक्सन की 8 अवस्थाएँ हैं। इन 8 अवस्थाओं के अलग अलग नाम है, थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो दूसरा वाला ही है। मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता दे रही हूँ, कभी कभी इनसे प्रश्न आते हैं, सिलेबस में दिया गया है फिलहाल के लिए। आगे बढ़ते हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, कौन सा एक ऐसा है जिस फैक्टर में नहीं या इस कारक में नहीं आता है। परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और परिवार की आर्थिक स्थिति। तो 37 के लिए एक सही है फ्रेंड्स, वो है धार्मिक वातावरण। 37 में बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है। नैतिक तर्क की जो स्टेज है उसका जो सिद्धांत है वो किसने क्लियर किया है। तो नैतिक तर्क ना इसको कहा जाता है, ऑप्शन आपके सामने 4 है, कोहलर, ऑप्शन ए एरिक्सन, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी और पावलो। तो जब कभी भी पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको नैतिक तर्कणा या नैतिक तर्क कुछ भी दिखता है तो ये ध्यान रखना है कि राइट आंसर कोहल वर्ग ही आप टिक करेंगे, आप किसी और ऑप्शन पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, 39 वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहे पर किसने किया। बहुत सारे प्रयोग भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं जो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। तो वंशानुक्रम से संबंधित चूहे पर प्रयोग किसने किया, पहला ऑप्शन है कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने और पावलो ने। ध्यान रखिएगा कि हेरिडिटी पर संबंधित जो प्रयोग है, जो कुछ भी हुआ है, उसका जो राइट आंसर है वो मेंडल ने किया। तो सी ऑप्शन आप सभी के यहाँ पर एकदम करेक्ट है, एकदम क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं, नाम देखते हैं, क्वेश्चन 40 है, कौन सा ऊर्जावान मित्र बालक का लक्षण नहीं है। खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। कुछ क्वेश्चन थोड़े अलग रहते हैं, ध्यान रखिएगा, आसानी से चिढ़ने वाला, ठीक है। जो ऊर्जावान होते हैं काफ़ी हस्त पुष्ट होते हैं, काफ़ी खुश मिजाज होते हैं, एक्टिव होते हैं, फिर वो लोग के ऐसे रिएक्शंस आपको देखने को जल्दी नहीं मिलते हैं। आगे बढ़िए, किशोरावस्था प्रारंभ होती 10 वर्ष की आयु से, 16, 12, 18। अच्छा प्रश्न है, फिलहाल किशोरावस्था स्टार्ट कब होती है, तो हम सभी जानते हैं 12 वर्ष से होती है। तो सी ऑप्शन आपके करेक्ट है। स्टेज से संबंधित क्वेश्चंस हमेशा हमेशा आएंगे, इतना ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको क्वेश्चंस दिलाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, पूर्णता प्रकारशील व्यक्ति का संपत्ति किसने दिया। कार्ल रोजर्स ने, फ्रायड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, इवान पावलो ने। बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई गई इसमें जो कई काफ़ी नई है, सीरीज़ में आपको नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर कार्ल रोजर्स है, 42 में ए ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसने बच्चों के वस्तु सैथर के विकास को समझाने की सहायता की है। पियाजे ने, फेस्टिंगर ने, एरिक्सन और बालक ने। कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक ऑप्शन आपका सही है, वो है पियाजे। इनका पूरा नाम जीन पियाजे है। क्या पूरा नाम है, जीन पियाजे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, 44 सूर्य के बच्चे के साथ साथ चलता है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है, बच्चे की बात सुनता है। ये कथन बालक के किस लक्षण को इंगित करता है। परमहम केंद्रता दिखाता है, केंद्रता है, सजीव चिंतन है, वस्तु सैथरता है। जैसे सूर्य है आपके पीछे पीछे चल रहा है, तो बच्चे को लगता है कि सूर्य मेरा पीछा कर रहा है, मेरे पीछे चल रहा है, मेरी हर बात को मान रहा है, सुन रहा है, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर रहा है। तो ये सजीव चिंतन है, मतलब उसको जो चीज़ दिख रही है उसको ये लगता है कि सब कुछ जीवित है, ठीक है। तो 44 में सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 45 में आई, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। वी एफ स्किनर, अगर बंडूरा, नॉम चमस्की और टॉलमैन। 45 में सिर्फ एक ऑप्शन आपका सही है, बहुत ही क्लियर है, वो है नॉम चमस्की, ठीक है। 45 का सी एकदम करेक्ट है। चलिए फिर, ये रहे आपके बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम किसी को लग रही, मैंने 45 क्वेश्चन का पीडीएफ बनाया और इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी आप लोगों के फीडबैक के बाद। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, वहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आए, क्वेश्चंस काफ़ी नए होंगे, किसको कितना नंबर मिला ये मुझे अपडेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। बाकी इसके नेक्स्ट क्लास जो क्वेश्चंस की वो लगातार होती रहेंगी, चलती रहेंगी,
आप लोग इस समय के साथ जुड़े रहिए, देखिए कोई समस्या है तो पूछिए, जितना होगा उतनी हेल्प आपकी की जाएगी। नोट्स सारी अवेलेबल हैं, अगर आप इच्छुक हैं लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करके आराम से ले सकते हैं। इवन आप खुद से पढ़ रहे हैं, सेमेस्टरी कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, मुझे 90% से मतलब है, बाकी आप कुछ भी करिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ़र्क है तो मुझे 90% चाहिए आप सभी के रिजल्ट्स का। ठीक है, चलिए, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।